अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स आर लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 2। वी वर स्टडीइंग टेंसेस। टुडे विल स्टडी द कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लेट्स स्टडी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इन दिस टेंस द एक्शन इज ऑन गोइंग और स्टिल गोइंग ऑन एंड हैंस continuous. The present continuous tense is used to talk about the actions that are happening at this current moment. इस टेंस में हम उन तमाम कामों की बात करते हैं जो इस लम्हे हो रहे हैं, means जारी हैं। ये ऐसा काम होता है जो शुरू तो माजी में हुआ होता है और ख़त्म होगा फ्यूचर में जाके, इसीलिए हम कहते हैं कि काम इस वक्त जारी है। एग्जांपल देखें, माइकल इज़ जॉगिंग, इट मींस कि माइकल अभी जॉगिंग कर रहे हैं। रिकग्निशन क्या होती है इस टेंस की? उर्दू के सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर अलिफ हुआ है, छोटिए हुई है, बड़िए हुए हैं आ जाए, सो इट मींस इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है इस टेंस का, या अगर मुझे ये सेंटेंस फॉर्म करना है तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैं इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल है, आई एम टेकिंग माय मील। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव कैसे फॉर्म करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी पुट करते हैं वर्ब के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई एम नॉट टेकिंग माय मील। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के एंड में वी मस्ट पुट फुल स्टॉप। हाउ टू फॉर्म एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? हेल्पिंग वर्ब जो कि हैं इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वी मस्ट पुट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, एम आई टेकिंग माई मील। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज एम एंड आर। एम सिर्फ हम आई के साथ यूज़ करते हैं, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ इज़ यूज़ किया जाता है, वी यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन्स हो उनके साथ आर यूज़ होता है। Now see the usage of present continuous tense with examples. Number 1, describe something which is happening at the exact moment of speech. ये टेंस यूज़ किया जाता है ऐसा काम बताने के लिए जो इसी लम्हे हो रहा है जिस वक्त ये बोला जा रहा है। जैसा कि एग्जाम्पल है, जिम इज़ वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस नाउ बट नॉट एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। ये भी ऐसा काम है जो हो रहा है लेकिन उसी वक्त नहीं जब बोला जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, जॉन इज़ वर्किंग इन लंदन, इट मींस कि जॉन लंदन में काम कर रहे हैं। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इस वक्त काम ही कर रहे हैं, वो लंदन गए हुए हैं काम के लिए, तो हम यही कहते हैं कि वो लंदन में काम कर रहे हैं। डिस्क्राइब द चेंजिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन बताने के लिए जो चेंज हो रही हो। Her health is improving by leaps and bounds. ये दिन ब दिन उनकी सेहत अच्छी होती जा रही है। To describe a temporary situation, I am staying with my friend for a few days. Let's move towards past continuous tense. This tense is used to mention an ongoing action of the past, an action that continued for some time in past. Continuous tense use किया जाता है ऐसे actions बताने के लिए जो माजी में हो रहे थे, ऐसे actions जो माजी में कुछ time तक जारी रहे। Example, Michael was jogging when I ate. Michael jogging कर रहे थे जब मैंने खाना खाया। Next, he was jogging at 9 वो 9 बजे जॉगिंग कर रहे थे। पास कंटिन्यूअस टेंस की रिकग्निशन क्या होती? रहा था, रही थी, रहे थे, अलिफ हुआ था, छोटिए हुई थी, बड़िए हुए थे, ये तमाम वर्ड्स अगर उर्दू के सेंटेंस के एंड में आ जाएं सो इट मींस इट्स पास कंटिन्यूअस टेंस। पास कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज, वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप पुट करते हैं हम सेंटेंस में। एग्जांपल देखें, आई वॉज बाइंग बुक्स।
नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर प्लस नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. एग्जांपल, आई वाज नॉट बाइंग बुक्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, स्टार्टिंग में आ जाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन वी पुट क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, वॉज आई बाइंग बुक्स. सी वॉज किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे और वर्ब किन के साथ यूज करेंगे. आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज यूज करते हैं. वर्ब हेल्पिंग वर्ब किन के साथ यूज होता है? यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन.